करना भाई, जल्दी जाना, ओपन करो, ओपन करो जल्दी और पाइप निकालो फटाफट जल्दी। अभी हवा का दिशा कहाँ पे है? वहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से आग बुझा सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ओपन करो सब लोग। कौन कर, पहला कौन कर रहा है? थोड़ा लामरा 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 थोड़ा। पहले क्या करेंगे आप लोग? एक मिनट, पहले बांस का मिठा गाड़ा ओपन कर बाहर। एम द बेस ऑफ फायर, बोल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन ओपन किया है ना बराबर? हाँ, अभी लंबे से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूछो। एक मिनट, खुलेगा। हाँ स्टार्ट। एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर। थोड़ा के आगे आगे यहाँ पे आग लगी है। ऊपर से डाल। अभी ये आप देख रहे हो, इसको ब्रांच पाइप बोलते हैं, इसको फीमेल कपलिंग बोलते हैं, और इसको कैनवास होस पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अरे वर्दी नहीं रहे। आ गए क्या सब लोग? कितना कौन बचा है? 1-2-3 हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र पाठर है। मैं आपको आज फायर के रिलेटेड मॉक ड्रिल करवाऊंगा, और जो इक्विपमेंट्स लगे यहाँ पे थिएटर में उनके बारे में बताऊंगा। जो स्प्रिंकलर लगे हैं और क्या है लगे, एमसीपी लगे, मैनुअल कॉल पॉइंट, और फायर एक्सटिंग्विशर है इक्विपमेंट्स, और फायर हाइड्रेंट सिस्टम है ना, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, उसके बारे में बताऊँगा। पहले मैं बताऊंगा ये आग फायर क्या है। फायर क्या है? एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल ऑफ फायर, क्या बोलते हैं ना इसको, ट्रायंगल ऑफ फायर। फायर तीन चीज़ों से आग लगती है। कौन सी ये तीन चीज़ें हैं? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। कौन सी तीन चीज़ें हैं? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये ट्रायंगल ऑफ फायर है। या इसमें से एक भी चीज अगर हीट अगर निकाल देते हैं हम लोग तो क्या होगा? आग बुझेगी। उसमें से फ्यूल हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा? आग बुझेगी। ऑक्सीजन हम लोग वहाँ से निकाल देते हैं ट्राई, ये तीन चीज़ों में से, तो आग बुझेगी। तो हीट को हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे? तीन चीज़ों में से हीट को हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, यानी पानी से हम लोग आग बुझा देंगे और आग बुझ जाएगी, बराबर। उसके बाद में फ्यूल आता है। फ्यूल यानी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई, वो एक फ्यूल है, बराबर। गैस कनेक्शन है वहाँ पे, वो भी एक फ्यूल है। अगर उनको आग लगती है, उनके जरिए आग लगती है, तो क्या करना है हमको? फ्यूल को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्टारवेशन। क्या करना पड़ेगा? स्टारवेशन यानी पावर, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको पहले क्या करना होगा? पावर सप्लाई बंद करना होगा। पावर सप्लाई बंद करने के बाद आग
उसको कंट्रोल में आ सकते हैं और फिर बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझा सकते हैं। पर अगर गैस की आग लगती है हम लोग को क्या करना है, गैस का कनेक्शन मेन जो वॉल है उसको क्या करना है, हमको बंद करना है। वॉल बंद करेंगे हम लोग, फिर बाद में कंट्रोल में आएगी और फिर बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझाएंगे। अगर मैंने फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया, मैंने फ्यूल को कंट्रोल नहीं किया यानी स्टार्वेशन नहीं किया, तो क्या होगा, वहाँ से फ्यूल आता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई चालू रहेगी और हम लोग आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो आग बुझेगी क्या? ये फायर एक्सटिंग्विशर का पाउडर, इसमें गैस है वो ख़त्म होगा फिर भी आग नहीं बुझेगी। तो हमको क्या करना चाहिए, स्टार्वेशन करना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना है हमको स्टार्वेशन करना है। फ्यूल को हटाने के लिए हमको स्टार्वेशन करना रहता है और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग हमको क्या करना होगा, ऑक्सीजन जो हवा में ऑक्सीजन होती है, हवा के जरिए आग भड़कती है, तो हमको क्या करना चाहिए उसके लिए, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, ब्लैंकेटिंग करना है। क्या करना है, ब्लैंकेटिंग। ब्लैंकेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग, ब्लैंकेट डाल दिया, ऑक्सीजन कट हुआ, ये फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए हम लोग ब्लैंकेटिंग करते हैं। जब हम उसको यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जब हम उसको यूज़ करते हैं उसके ऊपर पाउडर की एक चद्दर तैयार हो जाती है यानी ब्लैंकेट तैयार हो जाता है और आग बुझ जाती है। अब ये हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें हैं जिनके जरिए आग लगती है और उनमें से हमने किसी एक को भी हटा दिया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। पर आग के कितने तरीके हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास। ए क्लास में क्या होता है, ए क्लास यानी साधारण आग, कौन सी आग, साधारण आग यानी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कार्डबोर्ड को लगी हुई आग को हम लोग साधारण आग कहेंगे। और उसको हम बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पानी से भी बुझा सकते हैं, साधारण आग है और फायर एक्सटिंग्विशर ए क्लास का, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ए लिखा है यहाँ पे, तो इससे हम लोग बुझा सकते हैं। बराबर, उसके बाद में बी क्लास ऑफ फायर है, कौन सा क्लास है, बी क्लास ऑफ फायर। बी क्लास में कौन सा आता है, लिक्विड फायर, कौन सा फायर आता है, लिक्विड फायर। लिक्विड फायर में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से लगी हुई आग को हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड ऑफ फायर कहेंगे यानी बी क्लास ऑफ फायर। उसको हम लोग कैसे बुझाएंगे, उसको हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बी सी करके लिखा हुआ है यानी बी क्लास ऑफ फायर, यानी इसके अंदर CO2 है, पेट्रोल डीजल केरोसिन की लगी हुई आग को हम लोग इस फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। बराबर, उसके बाद में सी क्लास ऑफ फायर यानी गैस की फायर। गैस की फायर हमको बुझाने के लिए क्या, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना होगा, यही फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज कर सकते हैं उसका, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्वेशन करेंगे। क्या करेंगे, वॉल बंद करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है हम लोग सप्लाई बंद करेंगे, समझ गए। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर उसके बाद में हमको यूज करना है। उसके बाद में डी क्लास ऑफ फायर यानी मेटल फायर, मेटल फायर यानी धातु को लगी हुई आग, बराबर, जो कंपनियों में लगती है, अगर वहाँ उसको लगती है तो हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ई क्लास ऑफ फायर, कौन सा फायर है, ई क्लास ऑफ फायर यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फायर। अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ठंडा होता है। लेकिन जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाते तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पावर सप्लाई बंद करेंगे। बराबर, ये सब चीज़ें हैं, इनसे अगर हमको इनसे ये जरिए से हमको समझ में आता है क्लासेस ऑफ फायर कि साधारण आग लगी है पानी से बुझा सकते हैं, पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग लगी है हम लोग CO2 गैस से बुझा सकते हैं, सी गैस की आग है हम लोग फायर ABC का फायर एक्सटिंग्विशर उससे बुझा सकते हैं, डी क्लास है ड्राई केमिकल पाउडर से बुझा सकते हैं, ई क्लास इलेक्ट्रिसिटी की फायर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का गैस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये फायर एक्सटिंग्विशर और ये क्लासेस ऑफ फायर, ये इनके वजह से हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम लोग आग बुझा सकते हैं। बराबर, अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से यूज करना है, किसी को पता है फायर एक्सटिंग्विशर का मेथड क्या है, कैसे हम लोग यूज करेंगे? अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका आप लोग देख सकते हो, इसको सील लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सील लगा हुआ है। बराबर, ये सील को हमको तोड़ना होगा, लेकिन हम सील तोड़ने के पहले हम लोग क्या देखेंगे,
आप देख सकते हो नीडल कहाँ पे लगा हुआ है, ग्रीन पे, बराबर। ग्रीन पे अगर नीडल है तो इसके अंदर क्या है, प्रेशर है, क्या है इसके अंदर, प्रेशर है, बराबर। और रेड के जगह पे होगा अगर ये नीडल तो क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर नहीं है। तो हमको इसको क्या करना है, अभी हमने यहाँ से वहाँ गुजरते वक्त अगर हमने देख लिया और ये फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे टंगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफिल के लिए भेजेंगे। अगर इसके अंदर प्रेशर नहीं है, इसका नीडल अगर आपको दिखाई देता है रेड पे है, फिर भी सील है, फिर भी कहीं पे भी तो लीकेज है, इसके वजह से हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, हमको इसको रिफिल करना है। क्या करना होगा, रिफिल करना होगा और उसको वापस रिफिल करके जहाँ पे उसका जगह है वहाँ पे उसको लगाना है, बराबर। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के लिए मेथड है, कौन सा मेथड है, पास का, कौन सा मेथड है, पास। पास का स्पेलिंग क्या है, PASS, बराबर। पी फॉर हमको पहले पहला अल्फाबेट पी है, बराबर। पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, कौन सा सेफ्टी पिन पुल करना है हमको, ये जो सेफ्टी पिन है हमको क्या करना है, पुल करना है इसको, सील को हम लोग पहले क्या करेंगे, तोड़ देंगे, बराबर। हमने तोड़ दिया, सिंपल है, किसी को अगर मालूम नहीं है तो पहले समझ में नहीं आता हमको क्या करना है, बराबर। सील को तोड़ दिया, उसके बाद में हमको पुल द सेफ्टी पिन, ये सेफ्टी पिन को पुल करना है, बराबर। और जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हमको क्या करना होगा, एम द बेस ऑफ फायर, क्या करना है, एम द बेस ऑफ फायर, इस तरह से हमको एम करना है जहाँ पे आग लगी है। और बेस का मतलब जहाँ पे आग लगी है उसके बेस पे नीचे हमको एम करना है। और उसके बाद में ये तीसरा अल्फाबेट क्या है हमारा, एस फॉर स्क्वीज द लीवर, ये लीवर को हमको क्या करना है, दबाना है, समझ गए। ये हमको एम द बेस ऑफ फायर, स्विच द लीवर और फिर बाद में स्वीप होस पाइप, लास्ट अल्फाबेट हमारा एस है, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड से हमको आग बुझाना है। मगर जब हम आग बुझाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग पहले इसकी दिशा देंगे, हवा की दिशा देखेंगे, बराबर। क्योंकि इसके अंदर से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा। और पाउडर निकलने के बाद अगर दिशा अगर सामने से हवा आती है तो हम लोग जब ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो हमारे ऊपर पाउडर आ जाएगी। इसके लिए जहाँ से हवा आती है, यानी पीछे से अगर हवा आती है तो मुझे उसको पीठ दिखाना और फिर बाद में मुझे एम करना है, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, इस तरह से हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। जैसे ये है फायर एक्सटिंग्विशर, इसको लीवर है, बराबर है, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास ये होस पाइप है, इसके अंदर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बराबर है। इसके लिए हम लोग सील तो टूटा हुआ है ना ऑलरेडी, बराबर है। इसके अभी ये सील टूटा है तो हमको पता भी नहीं है कि इसको यूज़ किया है कि नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर आप देख नहीं सकते हो, क्या नहीं देख सकते हो कि प्रेशर है कि नहीं और कितना गैस है इसके अंदर। कंपनी अगर देती है तो सील लगा के देती है, बराबर है, लेकिन इसके अंदर सील नहीं था, फिर हम लोग वो ये नहीं कर सकते कि कितना है। अभी ये जो वॉल है इसको ये होस पाइप है, इसको ये हैंडल को ही हमको पकड़ना है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन बहुत कोल्ड होता है, क्या होता है, कोल्ड होता है, उसके वजह से हम लोग को तकलीफ हो सकती है। इसके लिए हमको यहाँ नहीं पकड़ना, हमको ये बराबर हैंडल को पकड़ना है और क्या करना है, हमको इस वॉल को राउंड द क्लॉक क्या करना है, घुमाना है, क्या करना है, हमको घुमाना है राउंड द क्लॉक। कैसे हम लोग घुमाएंगे, इस तरह से घुमा के वापस हम लोग जब चाहे हम लोग क्लोज कर सकते हैं। मगर इसके ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ABC फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हम लोग क्या कर नहीं सकते वापस, ये नहीं, क्योंकि इसके अंदर से एक कार्टेज निकल गया, टूट गया, तो उसके बाद में प्रेशर डाउन हो जाएगा। लेकिन इसमें पता चलता है कि कितना इसके अंदर प्रेशर है, मगर इसके अंदर नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर प्रेशर है कि नहीं है, बराबर। जितना हमने अभी देखा, इसके ये फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर सील था और ये फायर एक्सटिंग्विशर को सील नहीं था, सिर्फ पिन थी, बराबर। पिन द पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, हमको सेफ्टी पिन हमको निकालना है, फिर बाद में हमको इस हैंडल को हमको पकड़ना है, एम द बेस ऑफ आर, जहाँ पे आग लगी, अभी जब इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो ये सामने ऊपर लगी रहेगी, बराबर। इसके बाद में हमको इस फायर एक्सटिंग्विशर को ऊपर लेना है और हमको वॉल ओपन करके
ये राउंड द क्लॉक हमको घुमाना है और फिर बाद में इसका इस्तेमाल करना है। और जब आपको लगता है आग बुझ गई तो हम ये वॉल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इस फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में? अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल हम लोग नीचे करेंगे जहाँ पे आग लगा सकते हैं हम लोग और उसको बुझा सकते हैं। बराबर, अभी आपको पता है कि यहाँ पे गेस्ट आते हैं, बराबर, मूवी के लिए गेस्ट आते हैं, तो हमारे पास इमरजेंसी में अंदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, फायर हाइड्रेंट सिस्टम के इक्विपमेंट लगे, उसमें इक्विपमेंट कौन से हैं बता सकते हो आप? अंदर कौन से इक्विपमेंट है? स्मोक डिटेक्टर है, बराबर है। पहली आग जब लगती है तब क्या होता है? ऑन किया? हाँ, नहीं बाद में आप ये करेंगे ना थोड़ा। तो ये स्मोक डिटेक्टर है, जब कोई धुआं चला जाता है उसके अंदर तो ये अलार्म बजेगा। अभी जैसे अलार्म बज रहा है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट है। स्मोक डिटेक्टर आपको मालूम है ना, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है, और जब ब्लिंकिंग करेगा, बराबर है, जब ब्लिंकिंग करेगा तो एक्टिवेट है, और जब एक्टिवेट हुआ धुआं अंदर चला गया तो क्या होगा? ये सायरन बजेगा। जैसे ये सायरन बज गया, हमको तुरंत कहाँ पे जाना है? कहाँ पे? कंट्रोल रूम है ना आपका, कंट्रोल रूम है जहाँ पे पैनल है, वहाँ पे क्या दिखाएगा? लोकेशन दिखाएगा। वो क्या है? एड्रेसेबल पैनल बोलते हैं उसको। एड्रेसेबल पैनल में क्या दिखाएगा? लोकेशन दिखाएगा, और उस लोकेशन की जगह पे हम लोग को तुरंत वहाँ पे जाना है और देखना है कि किस तरह से धुआं वहाँ पे पहुँचा है, और उसको अगर आग लगी है धुआं निकल जैसे आ रहा है तो हमको तुरंत उस फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाना है, बराबर। अगर नहीं, अगर होता है तो उसके बाद में आग लगती है, आग भड़कती है, स्मोक डिटेक्टर पहला चीज़ है, उससे क्या हो जाता है हमको पता चलता है। ये शुरुआत फर्स्ट टाइम ये धुआं पहले आग निकलने से पहले धुआं निकलती है, तो ये धुएं से हमको पहले हम एक्टिवेट हो जाते हैं, पता चलता है हमको। जैसे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ, सायरन बज गया, हम लोग पहुंच गए वहाँ पे, आग बुझा दी। अगर हम लोग नहीं है जगह पे, सायरन बज रहा है फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद में आग लगेगी। उसके बाद में हमारे पास इक्विपमेंट है कौन सा? जैसे आग भड़क गई, हम लोग जगह पे नहीं है और वहाँ पे आग लगी, तो ये स्प्रिंकलर जो है आप देख सकते हैं सामने स्प्रिंकलर है, वो क्या काम करेगा? जैसे आग लगी है और टेम्परेचर उसका 68 डिग्री क्या होगा? 68 डिग्री क्रॉस करेगा, अबाउट टेम्परेचर 68 डिग्री क्रॉस करेगा तो क्या होगा? ये स्प्रिंकलर ब्लास्ट हो जाएगा और क्या होगा? पानी आ जाएगा। जहाँ पे आग लगी है तो वहाँ पे वो अपना काम करेगा और आग बुझा देगा, बराबर। उसके बाद में हमारे पास आग ज़्यादा ही लग गई है, हमारे पास क्या है दूसरा इक्विपमेंट? फायर हाइड्रेंट सिस्टम है ना हमारे पास। कौन सा? फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, जिसमें होज बॉक्स, आपने रेड कलर का होज बॉक्स देखा रहेगा, वो रेड होज बॉक्स में एक कैनवास पाइप होते हैं। क्या होते हैं? कैनवास पाइप होते हैं, जिसमें 20 मीटर्स का कैनवास पाइप में आगे मेल कपलिंग होती है और पीछे फीमेल कपलिंग होती है, बराबर। मेल कपलिंग को हमको स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर में अटैच करना है, और उसके बाद में आगे जो फीमेल कपलिंग है उसको हम लोग को क्या करना है? ब्रांच पाइप को हमको क्या करना है? अटैच करना है, और उसके बाद में हम लोग जहाँ पे आग लगी है उसको एम करके आग बुझा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास होज रील भी है। अगर आपको लगता है कि हम लोग छोटी सी आग है, हम लोग होज रील से अभी अंदर चेयर से, बराबर, वहाँ पे अगर लगता है आपको वहाँ पे आग लगी है तो हम लोग तुरंत जाके क्या कर सकते हैं? साधारण आग होगी, चेयर को लगी हुई आग को हम लोग क्या करेंगे? होज रील को लेके जहाँ पे आग लगी है उस तरफ हमको जाके वहाँ पे पहुँच सकते हैं और नज़दीक, और वहाँ पे आग बुझा सकते हैं। हमको चेक करना है कि ये होज रील कहाँ तक जा रहा है, और उसमें से वो होज रील हमको ओपन करना है, और वहाँ पे दो जगह पे होगा ना, ऑडी में दो जगह पे होता है, एक राइट और लेफ्ट में, दोनों है ना, डोर के सामने ही है ना अपना हाइड्रेंट सिस्टम, वहाँ से हम लोग जाके वो होज रील एक्टिवेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और आग बुझा सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं, उससे हम लोग ये करेंगे। अभी हमने स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट करके देखा जहाँ पे फॉगिंग हुई, बराबर, उसके वजह से क्या हुआ,
आग लग गई और अपना ये धुआं आ गया और ये एक्टिवेट हुआ और हम लोग फिर बाद में लोकेशन पे गए और वहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके नीचे जाएंगे जहाँ पे, अभी देखो जहाँ पे आग लगती है तो हमको क्या करना होता है, हमको जो गेस्ट होते हैं हमको उनको निकालना है। कहाँ से निकालते हैं हम लोग, एग्जिट से, फायर एग्जिट से निकालते हैं। और स्टेयरकेस से कहाँ पे जाना होता है हमको, कहाँ पे जाना होता है, असेंबली पॉइंट पे। असेंबली पॉइंट कहाँ पे है हमारा, मॉल फ्रंट में हमारा असेंबली पॉइंट है, वहाँ पे स्टेयरकेस से हमको जाना है, कभी भी सामने से जाना नहीं हमको। स्टेयरकेस जो हमारे एक तीन नंबर स्टेयरकेस है जो ऑडी वन के तरफ से जो रास्ता चला जाता है, और फिर बाद में एक स्टेयरकेस हमारा चार नंबर है जो पांच ऑडी के सामने से नीचे चला जाता है। पांच नंबर ऑडी से डायरेक्ट उसका चार नंबर स्टेयरकेस है, चार नंबर स्टेयरकेस से हम लोग नीचे चले जाएंगे और फिर बाद में जहाँ पे असेंबली पॉइंट है वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे हमको रुकना रहता है और जो गेस्ट है उनको भी वहाँ पे रुकना रहता है। ठीक है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं अभी। चलते नीचे, कहाँ से, ऑडी से ही जाएंगे ना, पांच नंबर ऑडी से ही जाएंगे। हाँ, डोर ओपन करवाया मैंने। हाँ चलते, ये आप क्या, ये ले लो सब। चलिए नीचे चलते। हेलो, ये ओपन किया है ना चार नंबर स्टेयरकेस। हाँ चार नंबर स्टेयरकेस ओपन है ना। हाँ आ रहा है नीचे, अभी नीचे आ रहे हैं हम लोग। हाँ अरे हाँ, एस टी पी के इधर आ रहा हो तुम लोग, आ जाओ उधर। हाँ चार नंबर स्टेयरकेस से नीचे आ रहे हैं हम लोग। हाँ वो ठीक है, चार नंबर स्टेयरकेस से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पे रुक जाओ। हाँ ऊपर आ जाओ फटाफट, नीचे आ जाओ एस टी पी के। हाँ ठीक है ना, अभी आ जाओ नीचे स्टेयरकेस, चार नंबर स्टेयरकेस से नीचे एस टी पी। ओके आगे क्या, कितने जन आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। चलो चलो